रॉबिन विंस को लेके गुजरात टाइटंस की तरफ से एक बड़ी खबर आई, और खबर ये आई है कि जिस प्लेयर को उसने पहली बार टीम में सेलेक्ट किया है, ऑक्शन में खरीदा है 3,60,00,000 में झारखंड के ट्राइबल प्लेयर को, उसे अब ओपनिंग का भी मौका देने वाली है। गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो रॉबिन विंस पर भरोसा जताने वाली है, और भरोसा ये है कि शुभमन गिल के साथ वो गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग भी करेंगे। रॉबिन विंस सुर्खियों में वो तब से ही अचानक से आए हुए हैं जब से गुजरात टाइटंस ने उन्हें IPL ऑक्शन में 3,60,00,000 में ख़रीदा। उसके बाद ऑक्शन के बाद वो सुर्खियों में आए, तमाम जगह उनका नाम पता चला कि आखिर ये भाई रॉबिन विंस हैं कौन। धीरे धीरे ये आया, उनका स्टाइल, उनके वीडियो सामने आने लगे, और फिर ये पता चला कि किस लेवल के, किस बैटिंग स्टाइल के ज़बरदस्त चौके छक्के जमाते हैं वो। झारखंड में जो भी उन्हें रॉबिन विंस को जानते हैं वो क्रिस गेल के नाम से ही जानते हैं, झारखंड के क्रिस गेल उनको माना जाता है। और ये सिर्फ उनकी बैटिंग स्टाइल को लेकर, जिस तरह से चौके छक्के जमाते हैं वो ग्राउंड में, उस लिहाज से उनकी तुलना जो है झारखंड में क्रिस गेल से की जाती है। अब खबर ये है कि चूँकि बहुत कम वक्त बचा है IPL के लिए, और वक्त के साथ धीरे धीरे ये खबरें भी आने लगती है टीम की तरफ से कि जिस प्लेयर को पहली बार गुजरात टाइटंस ने मौका दिया अपने टीम के साथ जुड़ने का, टीम के साथ खेलने का, और इतना ज़्यादा भरोसा गुजरात टाइटंस जता रही है रॉबिन विंस पर कि अब उन्हें शुभमन गिल के साथ ओपनिंग का भी मौका देने वाली है। अब देखिए, चूँकि जितने एलीट क्लास अभी जो मैचेस हुए थे BCCI की तरफ से, डोमेस्टिक मैचेस हुए थे, उसमें कई मैचों में, 3 से 4 मैचों में रॉबिन विंस ने ये प्रूव किया है कि वो गजब के बैट्समैन है। डबल सेंचुरी भी उन्होंने मारा, हाँ, और बहुत कम बॉल में उन्होंने मारा, ऐसा नहीं है कि उसमें लगभग 19 चौके थे, छक्के थे, 23 बनाए गए थे, चौके मारे थे, 9 छक्के मारे थे उन्होंने डबल सेंचुरी में। तो आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल के वो बैट्समैन हैं। और गुजरात टाइटंस ने अब उन्हें शुभमन गिल के साथ, जो ऑलरेडी जिन अभी फ़िलहाल वो सवालों में ज़रूर हैं, शुभमन गिल उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे होंगे टेस्ट में, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में, उसके बाद उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक खबर ये क्लियर है कि शुभमन गिल ही गुजरात टाइटंस से ओपनिंग करेंगे, और शुभमन गिल के साथ हमारे झारखंड के जो ट्राइबल प्लेयर हैं रॉबिन विंस, वो ओपनिंग करने वाले हैं। अब ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, जिस तरह से वो चौके छक्के जमाते हैं रॉबिन विंस, आपको गुजरात टाइटंस में वो निराश नहीं करेंगे। उम्मीद इसी तरह से रॉबिन विंस को लेकर जताई जा रही है कि वो निराश नहीं करेंगे, और निराश अगर उम्मीद की सवाल भी नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने जिस तरह उन पर भरोसा जताया है कि एक ओपनिंग देने वाली है, और ये खबर है अभी फ़िलहाल, इस पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्लियरेंस नहीं दे रहा हूँ, ये खबर है कि गुजरात टाइटंस उन्हें शुभमन गिल के साथ ओपनिंग देने वाली है। और यूं ही नहीं, गुजरात टाइटंस जो है किसी प्लेयर को, और फर्स्ट जिसने अभी तक कोई भी IPL नहीं खेला उसमें उन्हें मौका दे, वो भी ओपनिंग का। तो ये उनका परफॉर्मेंस है, ये उनका बैटिंग स्टाइल है रॉबिन विंस का, और इस लिहाज से गुजरात टाइटंस पे उन पर भरोसा जता रही है। फिलहाल देखिए क्या होता है आगे, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।